अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो आई हूँ किचन में इफ्तारी की तैयारी करने। यह है चिकन। चिकन को मसाला मैंने लगा दिया लेग पीस, और दही नहीं है घर में, तो भी मैंने इसके अंदर मसाला इस तरह से लगाया कि दही नहीं भी आएगी तो मैं इसको फ्राई कर सकती हूँ, फिर भी टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर आपके भाईजान आ गए और दही लाए तो ये और अच्छा बन सकता है। यह खाना बनाने के लिए चिकन निकाल के रखा है रात का डिनर, ठीक है। और यहाँ पर भजियों की तैयारी कर रही हूँ। कांदे का भजिया बनाऊंगी, थोड़ा ज़ीरा और कोथमीर ऐड करके। आपके भाईजान मैच खेलने गए हैं, संडे है, तो अगर वो आए टाइम से पहले दही लेके आए तो दही डाल के इसको बना दूंगी। दही नहीं लाए तो मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर दूंगी, ठीक है। अभी बारी आती है इसकी। पहले मैं कांदे को वो कर लेती हूँ। उज़्मा नानी की उधर है और आज़म मेरे पैर के पास है। अजू ए टोपी भागा, ये एक्टिंगा तो ऐसा है। क्या है टकली? बस आ रे बारे मेरे बेटे के। ले खाता 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 चक सब चीज टेस्ट करने का इसका। ऐसा करता कैसा? कर कर कैचा कैचा। अरे करता कर उसका टेस्ट करने का रहता है कुछ भी। ये देखो उंगली दो उंगली। हेलो नहीं दे रही बात, नहीं दे सकती बात। कच्चा बेसन भाई। अल्लाह लाए गए दही छुट्टी लाए। सलाम दो। वालेकुम अस्सलाम। अरे आजा पकड़ रहा है इसको। अरे नाचो। अच्छा। भाईजान को बोला था गाड़ी दही लाना, ज्यादा पानी वानी दही नहीं लाना। लेकिन ये दुकान वाले लोग है ना, पानी थोड़ा बहुत डाल ही देते हैं, अभी छान के तो दे नहीं सकते, तो थोड़ा पानी तो रहता ही है। देखो तो अभी मैं इसको मिला दूंगी और फ्राई कर दूंगी। मैंने फ्राई पैन रख दिया है गर्म करने के लिए। मैंने आज कोई कलर नहीं ऐड किया, मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर तो गाइस मेरा ये जो चिकन मैं को फ्राई करने का था ये मैंने फ्राई कर लिया। अब इसको दूंगी मैं लोबान का धुआं, और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे मैंने चिकन ग्रेवी भी चढ़ा दिया है। आय है धुआं देख रहे हो, तो ये मैंने पकाने के लिए चढ़ा दिया है बस। और यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बताया भजिए भी रेडी है ना। अभी फ्रूट काट देती हूँ, पहले इसको मैं कोयले की भाप दे देती हूँ। आ जाओ चलो। ए आजम तू भी वहाँ, उज़्मा भी नहीं है, गिरेगा? उज़्मा भी नहीं है गाइस, आज हम लोग दोनों ही हैं। आज तो ये बनाने का था ड्रमस्टिक। क्या और आज तो ड्रमस्टिक बनाने का था, उज़्मा नहीं है तो जान दो ना, वो आएगी तो उसके लिए रखेंगे ना, अपन वहाँ के खाएगी ना, उसको पसंद है गाइस। उसको ना चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, चिकन का ऐसे फ्राई आइटम उसको माशाल्लाह बहुत पसंद है। खुश हो जाती थी ना अभी रहती थी ना। अरे अम्मी ये क्या? चलो कोई नहीं, आएंगी तो खा लेगी इंशाल्लाह। क्या ये वाला पीस भी रखना? ये वाला उसके लिए रखूँ? अच्छा ठीक है। रुबजा ख़त्म हो गया था तो जितना था उतने में मैंने बना दी, वो इसलिए वो फुल ग्लास नहीं है, वरना कुछ लोग आधा ग्लास देख के बोलेंगे क्या रोज़ा नहीं थे क्या भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। अब आज़म कलमा पढ़ रहा था अभी। ला इलाहा कैसा पढ़ रहे थे मम्मा? कलमा कैसा पढ़ रहे थे बेटा? साइड में लगाती हूँ गाइस देख लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह अल्लाह आजम कैसा मामा ए आजू आजू अगर देखना भैया कोशिश करता है जबान पलटाने की। अरे कैसी गंदी लग रही है लिपस्टिक, ये लिपस्टिक कैसी लग रही हो सामने से वीडियो में देखो। आप लोग बताना ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है वीडियो में, तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, आईने में तो फिर भी ठीक ही लग रही है। हम लोग जा रहे 5 नंबर काम से, तो ऐसा है ठीक है। हाँ चलो गाइज़ो, आजम तो बड़ा खुश है, उसमें हम लोग के साथ नहीं है, उसमें नानी की तरह, तो उसको नानी की तरह रहने देते हैं। अगर उसके उसके हिसाब आजम का अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो देख लेते हैं। मेरे लिए चूड़िया लेने की, दुपट्टा ले लूँ मैं, ड्रेस ले लूँ मेरा चूड़िया लेने के लिए। हाँ ना चूड़िया, हाँ तो पकड़ो इसको। मैंने ले लिया अपने कपड़े, दो जोड़ी जो अम्मी ने लेकर आए थे ना, वो सिलवा के आ गए। कल आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, तो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो उसको ये पसंद ही नहीं आ रहा बोली ना, वो अच्छा भी है फिलहाल, वो बोली ना कि क्रिएटिविटी फटाफट दिखता, बार बार तो अभी क्यों कर रहे हैं? बहुत पहले लेके आया था, दिखता अच्छा है वो, वीडियो में दिख नहीं रहा एक्चुअली, सही लग रहा है। मेरे को भी कवर चाहिए गाइस, मेरे फोन के लिए कवर नहीं ले पा रही हूँ मैं, मेरे को मिलता भी नहीं जैसा मेरे को चाहिए। और ये लिपस्टिक मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, लेकिन अच्छी लग रही बल्कि लगा के जा रही है। चूड़ियाँ वगैरह ले लूँगी मैं इसकी मैचिंग की, इसके अलावा मैंने कोई और ड्रेस सिलाया नहीं है और कुछ लिया भी नहीं है। और रही बात उज़्मा की, तो उज़्मा अभी है नहीं, तो उसकी चप्पल वगैरह तो मैं लूँगी नहीं जब तक वो मेरे साथ नहीं रहेंगी। अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे लोग को कैसे अच्छा लगता पता है ना, उनके फ़ोन पे कार्टून होना चाहिए, किटीज़ होना चाहिए। वो एक्चुअली में ना, मैं उज़्मा जब मेरी छोटी सी थी ना, साल डेढ़ साल की थी कुछ, तो मैंने वो फ़ोन मेरे लिए लिया था कि मैं उससे ब्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी। ओ भाई, लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया था, तो वो फ़ोन यूज़ ही नहीं होता था, तो तब से वो उज़्मा कार्टून उसने सारी स्टडी ना आधे से ज़्यादा फ़ोन से ही की है, उसको मैं ये लगा के देती थी। इसके लिए वो स्कूल जाने से पहले से ही उसको सब कुछ आता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाली राइटिंग में थोड़ी स्लो थी। उसको सारी पोएट्री, सारी A to Z, 1 to 10 स्पेलिंग है ना बाबू। फोन अगर बच्चा यूज कर रहा ना, उसने ना जो नर्सरी नहीं पढ़ी, जूनियर नहीं पढ़ी, मतलब जो पढ़ाते नर्सरी और जूनियर में, उस सब फोन में पढ़ लेते थे। लेकिन ट्यूशन भी जाती थी ना, तो ट्यूशन टीचर भी उसके ना बहुत खुश हो गए थे कि उसको तो पहले से ही बहुत अच्छा माइंड है। तो ये बोलने का मतलब है कि जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं ना, तो आप उस पर नजर रखो, और मोबाइल यूज कर रहा है तो क्या यूज कर रहा है और क्या यूज करने देना है वो अपने पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आज भी 5 साल के बाद भी है ना, वो फोन उसका ही है ना। और मेरा भी नर्सरी और जूनियर नहीं हुआ, तो मेरे पे एडमिशन डायरेक्ट सीनियर केजी में हुआ था, जैसा मेरी बेटी का हुआ। लेकिन बाबू सच्ची बोलना, उज़्मा के जो इतनी पोएट्री जाना, इतना सब कुछ आना, इसके पीछे पूरा फोन का ही हाथ है। सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, अपना अपन को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो शायद कुछ और भी सीख लेती, क्योंकि चलो फोन आ रहा है। अरे 20-20 रुपए के नेकलेस मिल रहे गाइस, 20-20 रुपए। ये खुला हुआ पीस है, केक भी नहीं ना थोड़ी दूंगा अपन, खाली हार ही है क्या? ये लो गले का लॉकेट है, 20-20 रुपए भाई। ये दे दो, दे दे एक मिनट, ये लो अच्छा रहेगा ना। हाँ और देख लेती हूँ बाबा, पकड़ो जरा भाई, ये थैली में डाल दो ना, मैं देखती हूँ और देखती हूँ। 20-20 रुपए की गाइस, और क्या चाहिए 20-20 रुपए का नेकलेस? इयररिंग नहीं है, कान का नहीं है, कान का है ना, बटरफ्लाई है। बताओ जरा, देखो बच्चों के लिए फ्लावर है, बटरफ्लाई है। ये कितने कितने के है? ये कितने कितने के? अच्छा कैश लाया हो बाबू, अभी क्या स्कैन करना पड़ेगा? 20 रुपए भाई, वही दे दो खाली, कान के मुंडे पे 20 रुपए। इसका मैचिंग कान का है क्या? इसका मैचिंग कान का है क्या? इसका आपा मैचिंग नहीं है, नहीं है। नहीं ये पर हम लोग तुम्हारे पास है, अच्छा लो ये रख लो, 20 रुपए दे दो बाबू। कितना? 20-20 रुपए भाई। क्या तुम क्या देख रहे, इतने बड़े बड़े हार पहनेंगे तुम? और चाहिए
किसके लिए? उस्मा के लिए। और किसके? उस्मा के लिए तो लियो पिंक वाला। ब्लैक भी लेते ना, कॉमन अगर नहीं सूट मैं जैसे मैच किया तो कॉमन का काम है। अच्छा चलो ले लो ले लो। गाइस यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें सस्ती सस्ती। ये कितने का? 30 रुपया। और क्या? ये क्लिप कितने की है? 30 रुपए की। कितने एक जोड़ी के? एक 30 रुपया। ये 30 का 2 है तो मैच नहीं है। अच्छा और क्या क्या है भाई? गाइस जिधर फायदा होगा वही लूंगी मैं। ये हार कितने का है? 250 रुपए का हार। रमजान में हम लोग के तो महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता सामान मिलता है गाइस। ऐसा 2 मिनट आगे देख के आती हूँ, आगे देख लेती ना क्या क्या है। रमजान टाइम पे यार महंगे से महंगा सस्ते से सस्ता मिलता हमारे मालोनी में। ये कितने का इसका? 120 का नहीं आ पा रहे। दो सौ रुपये हो जाएगा। नहीं नहीं ये चलो बाबू आगे हो। गाइस मैंने तो कपड़े लेके आई थी कि मैं चूड़ियाँ लूंगी, मैं ये करूंगी, मैं मार्केट घूमूंगी, मैं वो करूंगी, दुनिया भर का मैंने घर से बोल के निकली और कसम से मैं कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ वो 20 रुपए वाले नेकलेस खरीदे आपको ना। अरे बाबू ये रास्ता कब चलवा वापस? जाएंगे रात में शॉपिंग करने के लिए। कल मीरा रोड या फिर उधर? रात ही में क्यों जाने का है? रात में मीरा रोड वाली मतलब वही 8-9 बजे निकलेंगे अपन। 8-9 बजे तुरंत बाद। अच्छा कल उस्मा का एग्जाम भी है? कल उस्मा का एग्जाम भी है, अभी पढ़ाने का भी, उसको रिविजन भी कराने का। बंद है। चलो गाइस मिलते हैं। तो गाइस ये 5 नंबर यहीं से जा रहे फिर से बंद कर दो। बंद कर दो। बस। बस आपने यार चल जाएगी बस।